हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजनास किचन। आज मैं आपके साथ चिकन की बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही जल्दी बनती है, बहुत ही हेल्दी होती है और बहुत कम मसाले में बनाई जाती है। तो चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ दही चिकन करी, दही मटन करी मैंने डाली है, आपको बहुत पसंद आई है, हमारे चैनल पर है। तो चलिए दही चिकन कैसे बनते हैं, पहले मैं इसे मैरिनेट करूंगी। तो 750 ग्राम चिकन को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसकी पानी निकाल ली है। इसमें मैं डालूंगी 4 बड़े चम्मच दही। तो देखिए इस तरह से बड़े वाले चम्मच से 4 बड़े चम्मच हमने दही रखे हैं, डाल देते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट और नमक 1 टीस्पून। इन सारे चीजों को हम हाथों से अच्छी तरह से चिकन के ऊपर इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हाथों से हमें सारे चिकन में मसालों को, दही को मिक्स करके 1 घंटे के लिए हम इसे, आप चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, 1 घंटे के लिए बाहर भी रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पर। 1 घंटे के लिए हम इसे मैरिनेट होने देते हैं। उसके बाद मैं सारी तैयारियां कर लेती हूँ, जो भी इसमें और भी चीजें पड़ेंगी। तो इस तरह से मिक्स करके अच्छी तरह से देखिए सारे चिकन पर हमारे ये जो मैरिनेशन है लग जाने चाहिए, इसीलिए हाथ से इसे मैरिनेट कीजिएगा। और चलिए इसे ढककर 1 घंटे के लिए रख देते हैं। देखिए 4 मीडियम साइज के टमाटर को हमने इस तरह से चॉप कर लिए हैं। थोड़ी सी कोरिएंडर लीफ हमने ली है गार्निशिंग के लिए। 3 हरी मिर्च को लंबे भाग में काट लिया है और 4 मीडियम साइज के टमाटर को इस तरह से गोलाई में हमने काट लिया है। मसाले में 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट को मैंने मैरिनेट में डाला था और 1 चम्मच में अदरक लहसुन का पेस्ट यूज करूंगी। 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 3 छोटे चम्मच चिकन मसाला, धनिया पाउडर 1 चम्मच और नमक स्वाद के अनुसार। मैरिनेट में भी हमने नमक डाली थी तो स्वाद के अनुसार ही डालेंगे। और मस्टर्ड ऑयल का मैं यूज कर रही हूँ, तो कढ़ाई में हमने मस्टर्ड ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो देखिए 4 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही हमारी ऑयल गर्म हो जाती है इसमें मैं प्याज पहले डालूंगी। ये बहुत ही कम मसाले में बन रही है फ्रेंड्स। तो देखिए मस्टर्ड ऑयल का धुआं आने तक हमने गर्म कर लिया। एक प्याज के पीस को हमने डालकर देख लिया है। तेल हमारी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब गैस का फ्लेम हमें लो कर देना है। इसमें पहले मैं प्याज को डाल दूंगी इस तरह से। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं इसमें जीरा वगैरह कुछ भी यूज नहीं कर रही हूँ। बहुत ही कम मसाले में ये बनकर रेडी हो जाएगी। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी मेरी रेसिपी को देख सके और उसे ट्राई कर सके। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट का मुझे हमेशा से इंतजार रहता है और मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर देती हूँ। और प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा यदि पसंद आए तो, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए इसे कुरकुरा होने तक प्याज को हम भून लेते हैं। तो देखिए प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है। इसमें मैं डाल दूंगी ये हरी मिर्च और ये अदरक लहसुन की पेस्ट 1 टीस्पून। मिक्स कर लेते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर हमने मैरिनेशन में डाला था, 1/2 टीस्पून में अभी डाल रही हूँ। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 3 चम्मच चिकन मसाला। सारे चीजों को मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इस तरह से भून लेते हैं। 1 मिनट हम मसाले को भून लेंगे। इसके बाद मैं इसमें मैरिनेट किए हुए चिकन डालूंगी। 1 घंटे हो चुके हैं हमारे चिकन को मैरिनेट किए हुए। तो देखिए इस तरह से हमने भून लिए हैं। 1 मिनट हो चुके हैं, मसाले हमारे भून चुके हैं। गैस का फ्लेम हमें लो कर देना है और अब मैं इसमें डालूंगी ये
चार कटे हुए टमाटर मिक्स कर लेते हैं और साथ ही में मैं थोड़ी नमक भी डालूंगी। मैंने मैरिनेशन में नमक डाले थे, उस हिसाब से ही आप डालिएगा स्वाद के अनुसार नमक। तो 1 टीस्पून हमने मैरिनेशन में डाले थे और 1/2 टीस्पून नमक मैं और ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए 1 घंटे हो चुके हैं हमारे चिकन को मैरिनेट किए हुए। अब मैं चिकन को भी मसाले में ऐड कर दूंगी। इसमें मैं मैरिनेट किए हुए सारे चिकन को ऐड कर देती हूँ इस तरह से। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से और मिक्स करके हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे ढककर 8 से 10 मिनट तक पकने देना है। तो देखिए इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे ढककर 8 से 10 मिनट तक पकने देते हैं। ये चिकन हमारी मैरिनेट की हुई है तो ये बहुत ही जल्दी पक जाएगी। बीच में 10 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। बीच में हमने इस पर एक बार चला लिया था इसे, तो आप देख सकते हैं 10 मिनट में ये हमारी चिकन अच्छी तरह से पक चुकी है और ग्रेवी की थिकनेस आप देख सकते हैं। पानी हमने बिल्कुल इसमें यूज नहीं किया है, बस मैरिनेशन में जिस बर्तन में हमने मैरिनेट किया था उसमें थोड़ी सी 1/2 कप पानी डालकर इसे यूज किया है। पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है और आप देख सकते हैं चिकन हमारी पककर रेडी हो गई है। मैं आपको दिखा देती हूँ जब इस तरह से चिकन कट जाए। देखिए ये बहुत ही अच्छी तरह से चिकन हमारी पक गई है। तो ये 10 से 15 मिनट में ये चिकन हमारी पककर रेडी हो गई है क्योंकि मैरिनेट भी हमने 1 घंटे किए थे इसे। तो गैस को कर लेते हैं ऑफ और चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। आप इसे रोटी, चपाती, राइस किसी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे ये रोटी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स दही वाली चिकन करी हमारी बनकर रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं इसके लुक को और बहुत ही कम मसाले इसमें यूज हुए हैं। कोई भी गरम मसाला, जीरा वगैरह हमने नहीं डाला है और बहुत ही जल्दी बनकर रेडी होती है और खाने में भी काफी हेल्दी है क्योंकि इसमें दही है, डाइजेस्ट भी जल्दी होती है। तो इसे एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज इसे ट्राई कीजिए और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।